आप लोग प्लीज बाहर ही रुकिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जो कुछ भी बन सकेगा हम जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसे बचा लीजिए डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। प्लीज आप लोग यहीं वेट कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट। मेरा बच्चा। हिम्मत रखो बेटा, कुछ नहीं होगा विजय को, डॉक्टर साहब देख रहे हैं ना, है? कुछ नहीं होगा बारे विजय को, देखना तो। ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी। He's gasping. ये ठीक से सांस क्यों नहीं ले पा रहा है? ऑक्सीजन फ्लो ठीक है? Yes, sir, ठीक है। फिर ये नॉर्मली ब्रीथ क्यों नहीं कर रहा है? सर, ऑक्सीजन तो ऑन है। ये कैसे हो सकता है? मास्क तो ठीक है। सर, नोब भी चालू है। फिर ऑक्सीजन पेशेंट तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? नर्स? Yes, doctor. इंजेक्शन। हरिओम, इसे सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है ये मास्क में ही खराबी है। नहीं सर, फॉर्मूला ने इसे चेक किया था। क्या खाक चेक किया था? तुम लोग ऑपरेशन की ये प्रिपरेशन करते हो? जल्दी से दूसरा ऑक्सीजन मास्क लगाओ पेशेंट को। हरिओम। ओके सर। फॉर्मूला, फॉर्मूला तुमने मास्क ठीक से चेक किया था? फॉर्मूला, तुम ऑपरेशन थिएटर में बैठी हो। आर यू मैड फॉर्मूला? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है और तुम चुपचाप बैठी हो? ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी, और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ड्रॉवर से दूसरा मास्क निकालो। नर्स, शॉक ट्रीटमेंट फास्ट। कम ऑन, गेट अप, ब्रीथ। कम ऑन, कम ऑन। He's dead. Are you out of your mind? पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज क्या हुआ? Patient is dead. और तुम, सुमिला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? I'm talking to you. She's dead. क्या? सर, ये तो सोमिला है ही नहीं। तो फिर ये है कौन? और यहां ओटी में कैसे है? ये देखा? हाँ सर, ब्लड डॉट्स। अरे ब्लड डॉट्स इतने पास पास हैं। जैसे दो इंजेक्शन लगे हो। करेक्ट। एक काम करते, इसका स्टॉकिंग काट के देखते हैं। सौमिला नाम है इसका? नहीं सर, ये सोमिला नहीं सर, ये तो कोई नकली है। नकली? तो फिर लड़की ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर।
सर ये तो लगता तो ऐसा ही है। क्या लगता है सर? एक मिनट तारीखा, जरा मैग्नी का एक ग्लास देना। यस, वही है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब? दया, इस लड़की को तो लगता है सांप ने काटा है। सांप? सांप? मगर सर ऑपरेशन थिएटर के अंदर सांप कहां से आ सकता है? वही तो। अरे का एक काम करो, यहां से ब्लड सैंपल लो, इस हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में चेक करते हैं। विवेक सर, तो यहाँ का सामान मैं बाहर जाके देखता हूँ। सर बाहर क्या है? पूछो मत कर, कुछ ना कुछ बोलता रहता। हम ब्लड चेक करते हैं, जब तक कोई दूसरा ठोस सबूत नहीं मिल जाता है तब तक तो यही मानना पड़ेगा कि सांप ने इस लड़की को स्वर्ग में पहुंचाया है। तो आप बता रहे थे कि ये नर्स नकली है? जी हाँ सर, एकदम नकली। मतलब असली सौमिला कोई और है? जी हाँ सर। कहाँ है वो? नहीं मालूम सर। हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने इस लड़की को यहाँ पे पहले कभी देखा? नहीं सर। तो ये लड़की ऑपरेशन थिएटर में कैसे पहुंची? शायद उसकी किस्मत में ही मरना लिखा था। तुम्हें कैसे मालूम कि इसकी मौत होने वाली थी? कहीं यहाँ पे सांप यही तो लेके नहीं आई? दिमाग खराब है क्या? कोई तो कारण होगा ना जिसकी वजह से ये लड़की नकली सोमिला बन के यहाँ आई। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। सर जब हमें नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों आई थी तो क्या जवाब दे सर? No. एक अनजान लड़की नर्स के कपड़े पहन के ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाती है, मगर यहाँ पे किसी ने उसे देखा नहीं, कोई उसे पहचानता नहीं। कोई बात नहीं, तुम सब हमारे साथ CID ब्यूरो चलो। वहां जाने के बाद अच्छे अच्छे बोलना शुरू कर देते हैं। चलो सर, मैंने देखा उसे। अब खुली ना चोच। क्या देखा? ऑपरेशन से पहले जब, अरे जीतू सुन ना, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है, हाँ? वो नया एडमिशन है ना? हाँ, कुछ हुआ क्या? नहीं, वो सोमिला ही थी ना? हाँ, वो ओटी में आज उसकी ड्यूटी लगी, तो कुछ कह रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है उसकी वॉमिट में ब्लड आया है। अरे तू ऐसा कर कि स्थानों को इन्फॉर्म कर दे, आज मॉर्निंग में होने की शिफ्ट है। ठीक है, ओके। ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले इस लड़की ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। हाँ सर। पता कब चला कि नर्स नकली है? सर पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे अचानक मर गया सर, तो पहले ये मरी, बाद में ये पेशेंट भी मरा? नहीं सर, पहले पेशेंट मरा और फिर लड़की। पेशेंट कैसे मरा? सर ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा था, ऑक्सीजन मास्क में खराबी थी सर। अगर ऑपरेशन करने से पहले ये सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, वायरस वगैरह सब चेक किए जाते हैं ना? जी सर। तो ये खराब ऑक्सीजन मास्क किसी ने देखा नहीं? सर वो मास्क चेक करने की जिम्मेदारी सोमिला की थी सर। और सोमिला के जगह पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई और आ गई थी, कौन ये? वो ऑक्सीजन मास्क कहाँ है? सर वो तो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में फेंक दिया? जी सर। मैंने मना किया था ना यहाँ से कुछ फेंकना नहीं, कहाँ है वो डस्टबिन? सर उसे तो अभी यहाँ से ले गए। लेकिन तो देखो डस्टबिन कहाँ है, चलिए। जी सर। चलिए प्लीज हटिया प्लीज। क्या कह रहा है ये ऑक्सीजन मास्क? बोलने वाला है सर। निखिल, क्या है पाइप में सप्लाई ठीक था?
एकदम सप्लाई बराबर है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, किसी ने इस नोजल को च्युइंगम से ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, तो ये है वजह विजय के मौत की। देखिए इसे, क्या ये जानते हैं आप लोग? सर ये च्युइंगम है सर। हाँ च्युइंगम, समझे च्युइंगम। और किसी ने ये च्युइंगम विजय के ऑक्सीजन पाइप के अंदर चिपका दिया था ताकि विजय का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए और विजय खत्म। मतलब सर? मतलब ये कि यहाँ पर दो दो खून हुए, दो दो खून, एक विजय का और एक उस लड़की का। दो दो खून? हाँ, और ये दोनों खून हॉस्पिटल के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। सर, सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा सर? वो तो सिर्फ एक पेशेंट है और हम में से कोई उसे पर्सनली जानता तक नहीं है सर। जया सर, ये दोनों खून विजय और उस लड़की का हॉस्पिटल में से ही किसी ने किए हैं। हॉस्पिटल में से ही किसी ने। बॉस टेस्ट कर लिया। हाँ, ये बात पक्की है कि ये लड़की सांप के जहर से ही मरी है। सांप की एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक सांप हॉस्पिटल में कैसे आ सकता है और तो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में। सांप, अरे क्या करें, अरे नर्स देखो सांप कहाँ पे। प्रेडी तुम और निखिल जरा इन लोगों को बाहर निकालो। चलिए आप लोग प्लीज प्लीज आप चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए चलो चलो चलिए। सर तुम लोग बाहर जाते, तुम जरा इस ऑपरेशन थिएटर में देखो कहीं सांप है क्या, लेकिन संभाल के। हाँ विवेक साथ में चेक करो, चलो सामने। सर संभाल के। सर विवेक। यस सर। यार सालों के, इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे खून नहीं देखा है। एक ही जगह पे दो दो खून, एक सांप के काटने की वजह से और दूसरा च्युइंग गम से, है ना? बड़ी अजीब बात। सर अंदर कोई सांप नहीं है। सांप नहीं है? नहीं सर। सर ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की को सांप ने कहीं और काटा हो और यहाँ पे आके इसकी मौत हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बस, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इस सांप का जहर सीधा दिमाग पर असर करता है तुरंत। और वो नर्स बता रही थी कि ये लड़की जब हॉस्पिटल में आई बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब सांप ने इस लड़की को यही ऑपरेशन थिएटर में काटा है। बिल्कुल। विवेक काम करो, उस डॉक्टर को लिख रहा। यस सर। अगर इस लड़की को यहाँ ऑपरेशन थिएटर में सांप ने काटा है तब तो ये चिल्लाती ना, चीखती ना। सर हाँ डॉक्टर साहब, जब आप ऑपरेशन कर रहे थे विजय का, कि तब आपने इस लड़की की चीख सुनी, चिल्लाई है? नहीं सर, ऐसी कोई चीख नहीं सुनी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। है ना बड़ी अजीब बात, सांप ने इसे काटा है लेकिन इसे पता तक नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? इस लड़की का विजय के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है सर। हाँ दया बिल्कुल सही है, इन दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। एक काम करते हैं, असली सोमिला को ढूंढते हैं और इस विजय के माँ बाप से जाकर मिलते हैं,
कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। मैडम ये है सोमिला। पॉज करो। ओह तो ये है सोमिला। प्ले करो। दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा। जी इस फ्लोर से बाहर जाने का और कोई रास्ता है? नहीं मैम। इस पूरी फुटेज में सोमिला इस फ्लोर से बाहर जाते हुए नहीं दिखी। इसका मतलब वो अभी भी यही है, इसी हॉस्पिटल में। बेटा तुम्हें था बेटे के साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों हुई? इन हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं, मारा है मेरे बेटे को। कौन ही है ये सब? एक माँ की हाय लगेगी इन्हें। देखिए अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर आपके बेटे के खूनी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो अभी तक यह नहीं समझ आ रहा कि हमारे विजय हमारे बेटे को कोई क्यों मारना चाहेगा। देखिए इसी बात का तो पता लगाना है हमें। विवेक सर आप दोनों में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं। आप वाकई नहीं जानते इसे? जी नहीं। चल कोई बात नहीं, ठीक है। विवेक सर जरा इन्हें छोड़ा। सर मैम सर आइए इस तरफ। अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे तो फिर ये खून हुए ही क्यों? बॉस केस सॉल्व। खूनी का पता चल गया। कौन है खूनी सॉल्व की? खूनी वो है जो इस चिंगम को चबा रहा था। यार कुछ नया बता। नया ये है बॉस के इस चिंगम पे लगा हुआ सलाइवा थूक और उस मरी हुई लड़की के मुंह में से मिला हुआ थूक दोनों का डीएनए मैच करता है। क्या? माय गॉड। इसका मतलब है वो लड़की सोमिला के भेस में आई थी विजय का खून करने के लिए। सोमिला के भेस में। उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा और ऑपरेशन थिएटर में फिर से जाकर देखो वो सांप वहीं पर होगा। वहीं पर। सर अब कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है, फिर सांप ऑपरेशन थिएटर से गया कहां से? वही तो, कहां से गया होगा? एक रास्ता है निकल। कौन सा सर? ये एसी डक्ट से। काम करो डक्ट खोलो जल्दी। ठीक है।
मैं जाता हूँ सर। नहीं नहीं मैं जाता हूँ। क्यों सर? क्योंकि मैं सीनियर हूँ। वो तो पता है सर, पर सर सांप बहुत जहरीला है। निखिल, मैं इससे डरने वाला नहीं। डर और आप हो ही नहीं सकता सर। एक काम करो, तुम छत पे जाओ, इस डक्ट के एग्जिट पे जाके खड़े रहो, वहीं मिलता हूँ। सर संभाल के सर। तो बंद है, इस पे तो जाली लगी है, तब सांप अंदर ही होगा। सर, सर, दयासर, दयासर, दयासर! सर को तो कुछ तो नहीं है। आपने काट लिया मुझे? नहीं नहीं सर, वो यार डक्ट में कोई सांप आप नहीं है। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ। यस सर। कुछ नहीं सर। सोमिला मिली? नहीं रे, गालियां खा रहा हूं औरतों की। सर अब क्या करें? यही रूम बचा, देखते हैं। बड़ा अजीब सा रूम है सर, स्टोर रूम जैसा लग रहा है। अभी इसको लाइट का स्विच देखो, स्विच कहाँ है? सर स्विच तो कहीं दिख नहीं रहा है। सर दिख नहीं रहा? नहीं सर। कमाल है। क्या हुआ सर? सब ये सांप नहीं, स्टेथोस्कोप है सर। स्टेथोस्कोप? ये क्या है सर? बड़ा अजीब सा बॉटल लग रहा है सर। अरे इसके अंदर क्या है? एक सेकंड सर। ये तो सांप की खाल है। सांप की खाल? हाँ सर, मतलब सांप इस बॉटल में बंद करके रखा गया था।
ये देखो बॉटल की ढक्कन पे छोटे छोटे होल किए गए ताकि इसमें से सांप को हवा मिल सके। मतलब सर सांप यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ सांप को ढूंढो, सांप को ढूंढो जल्दी। यस सर। सर वो क्या वो क्या सर आपके पीछे। मेरे पीछे? हाँ सर वो क्या है पीछे? सांप। सांप? सांप सांप सब 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 ये तो संभाल गए। सांप हिल ही नहीं रहा। हिल नहीं रहा? काट के जाएगा। देखो सर। हाँ देख देख देख। संभाल गए संभाल गए। सब ये देखिए सर। अरे हाँ ये तो मर चुका है। किसी ने इसका सिर कुचल दिया है। सर सांप आखिर गया तो क्या कहा? तो तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं सर वो बॉक्सर होना तो ऊपर एसी के डक्ट क्या जाली तोड़ने की कोशिश कर रहे थे हा? नहीं सर। हाँ सर दवा लगाए? नहीं सर हल्की सी खरोच है ठीक हो जाएगा। दवाई लगवा लो। खून? ए सुनो इस कमरे की चाबी किसके पास है? चाबी तो नीचे। नीचे? कौन सा वाला? सुजिंदर निकल जल्दी डॉक्टर को बुला। यस सर। सही तो शामिल है? शामिल है? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये सौमिला यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए आई थी। उस लड़की ने इसके सिर पे आके किसी चीज से मारा, इसे बेहोश किया और इसके कपड़े पहन के वो वहां ऑपरेशन थिएटर में चली गई और वहां पे उसकी मौत हो गई। सर तो फिर उस लड़की को किसने मारा होगा? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेचारे सांप का सर कुचल के मार दिया है ना। कमाल का खेल था उनके। विजय को उस लड़की ने मारा, उस लड़की को इस सांप ने मारा और इस सांप को खूनी ने मारा। बॉस ये सांप वाकई बहुत जहरीली नस्ल का है। इसके काटते ही मौत हो जाती और एक बार में इतना जहर निकलता है इसके दांतों से कम 10 आदमी मर सकते हैं। अच्छा हुआ सांप मारा हुआ था नहीं तो क्या हुआ? मजाक कर रहा है बॉस। ये सांप आसानी से नहीं मिलता है, घने जंगलों में ही पाया जाता है। मतलब खूनी सांपों के बारे में एक्सपर्ट है। तुम जानते हो ना इसे? क्या हुआ जानते हो ना इसे? जी जी नहीं सर। अरे तो फिर सीआईडी ऑफिस में क्या करने आया हो तुम? सर इसके बारे में बताने आया था सर।
कमाल है भाई, कभी कहते हो जानते नहीं हूँ, कभी बोलते हो बताने आया हूँ, ये चक्कर क्या है, है? सर मैं इसे जानता नहीं हूँ, मगर मैंने इसको ट्रेन में देखा सर, दो दिन पहले सर। अच्छा, तो फिर? सर, ये मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी सर, और कोच नंबर था सर। क्या? क्या था सीट नंबर, याद करो। सर, कोच नंबर B2 सीट 23B मोंडारी एक्सप्रेस सर। विवेक, रिलीज में फोन करके चेक करो। तो ये तुम्हारे सामने वाली सीट पर बैठी? यस सर। तो फिर तो आपस में कुछ बातचीत भी हुई होगी? नहीं सर, वो पूरे रास्ते चुप ही बैठी रही, किसी से कोई बात नहीं करी उसने। किसी से कोई बात नहीं की? नहीं सर। अच्छा, इस औरत को देख के तुम्हें कुछ लगा, कुछ गड़बड़ लगा हो? कुछ घबराई हुई लग रही थी, बीमार लग रही थी, परेशान लग रही हो? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा कि वो बीमार हो या कोई तकलीफ में हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हां ठीक है सर। निखिल सर, छोड़ो इन्हें। आइए आइए सर। उस औरत का नाम नीता था और वो दिल्ली के किसी श्री माधव अनाथ आश्रम पे रहती थी। दिल्ली के श्री माधव अनाथ आश्रम? अच्छा। दिल्ली से एक लड़की आती है विजय को मारने के लिए, विजय को तो मार देती है, मैं सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आया सर। दया, ये गुत्थी तो उस दिल्ली के अनाथ आश्रम में जाकर ही खुलेगी। दवाई से तो और भी ज्यादा दुख रहा है। अरे ठीक से दवाई लगा ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, किसने कहा था झगड़ा करने के लिए? मैंने नहीं, पहले उसी ने शुरू किया था। अरे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, कितनी बार समझाया तुझे। अब नहीं करेगा ना झगड़ा? नहीं। सुनेगा ना मेरी बात? तो फिर ये हमारी तरफ से। अच्छे बच्चे के लिए चॉकलेट। कौन है आप लोग? और ये बच्चे बाहर वालों से कुछ लेते नहीं है। हम लोग CID से हैं, और आपसे पूछे बगैर थोड़ी ना देंगे, आप ही दे दीजिए। लो बेटा। थैंक यू अंकल। आप हर बच्चे को ऐसे ही समझाती हैं? जी, कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे में संस्कार डाल सकूं। माँ बाप तो इनके है नहीं, तो उनकी कमी पूरी करने की मैं ही कोशिश करती हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, थैंक यू। आप प्लीज जरा ये फोटो देखिए, इस लड़की को आप जानती हैं? अरे ये तो नीता है। नीता? हाँ, इसी अनाथ आश्रम की बच्ची है ये। दरअसल नीता अब इस दुनिया में रही नहीं। क्या? उसका किसी ने खून कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? और उसके पहले नीता ने एक विजय नाम के आदमी का खून कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नीता किसी का खून नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हम भी यही सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया है। अच्छा एक बात बताइए, जब नीता यहाँ पे आई थी तो कितने साल की होगी? बस 2-3 महीने की थी। 2-3 महीने की? तो कोई उसको छोड़ने आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, बस अकेली थी। हाँ लेकिन एक बैग था उसके साथ। बैग? वो बैग हम देख सकते हैं? हाँ जरूर। अरे सीताराम, वो नीता का पुराना वाला बैग लेकर आना। जी मैम साहब, लाया। अब जरा ये फोटो देखिए, इसे आप जानते हैं? नहीं, कौन है ये? मैडम ये है नीता का बैग।
बस ये कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, ये चूड़ियां और ये एक लॉकेट है। ये लॉकेट? माफ कीजिए, ऐसे हालात में हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों की मदद के बिना मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? किसे पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? मिस्टर गगन, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। सच सच बताइए गगन जी, क्या आप जानते हैं इस लड़की को? मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। ये वही लड़की है जो हॉस्पिटल में मरी है, और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये भला इस लड़की को कैसे जानते होंगे? मिस्टर गगन, बताइए आप कैसे जानते हैं इस नीता को? आप कुछ बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप सच में इसे जानते हैं? बताइए गगन जी, आपको पता है इस लड़की ने आपके बेटे का खून किया है? खून? मेरे बेटे को खून हुआ है? खून हुआ है उसका? आप सुन रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? इसने हमारे बेटे को मारा है, इसने मारा है उसे। अब कुछ तो बोलिए। बताइए गगन जी, कौन है ये लड़की? इस लॉकेट को पहचानते हैं? ये तो मेरे बेटे का है। जी नहीं, ये लॉकेट नीता का है। ये हमारे बेटे का है ना? अब बोलिए ना कुछ, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, बोलिए ना। मिस्टर गगन, नीता और आपके बेटे के पास एक जैसे लॉकेट का होना क्या साबित करता है? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? भाई बहन थे दोनों, बेटी थी वो मेरी। जाना था वो मेरी बेटी थी। शादी से पहले पूर्वी हाँ, बेटी थी वो मेरी। नीता की मां बिचारी उसको जन्म देने के बाद इस दुनिया में नहीं रही। अब नीता को मैं अपने पास तो रख नहीं सकता था, इसलिए दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में मैं हर महीने पैसे भेज दिया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से वो मेरा पता पूछती पूछती मुंबई आ गई, और आकर कहने लगी कि मुझे सारे समाज के सामने बेटी का दर्जा दो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। वो कहने लगी कि अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो आपका बेटा भी नहीं रहेगा। मैं जानता था कि वो गुस्से में है, लेकिन और उसने अपना गुस्सा आपके बेटे पर निकाला। मिस्टर गगन, आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार नीता नहीं, आप खुद हैं। मैं जानता हूं सारी गलती मेरी। सर, खूनी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से अंदर नहीं घुसा होगा, वरना कोई ना कोई तो उसे देख लेता। कोई और रास्ता होगा फ्रेडी जिससे वो घुसा है अंदर? और सर, ऑपरेशन थिएटर में ना ही कोई खिड़की और ना ही कोई दूसरा दरवाजा। ऑपरेशन थिएटर के बाजू में कोई चेंजिंग रूम है ना? हाँ सर, एक चेंजिंग रूम है और उसमें एक खिड़की भी है सर। है? सर, हाँ? ये वही रूम है जो चेंजिंग रूम को लग के है। अच्छा? यस सर, देखते हैं। सर, यही वो खिड़की है जिसके उस तरफ
ऑपरेशन थिएटर का चेंजिंग रूम है। तो खूनी यहां से आया ताकि उसे अंदर आते वक्त कोई देख न सके। जैसे खूनी अंदर घुसा उसने नीता को देखा क्योंकि नीता यहां पर मौजूद थी और खूनी वहां जाकर के शायद छुप गया होगा। उस वक्त नीता यहां विजय की इस ऑक्सीजन मास्क में च्यूइंग गम लगा रही थी। वो विजय को मारना चाहती थी और वो जानती थी कि विजय का ऑपरेशन होने वाला है। उसी वक्त हड़बड़ी में विजय को लाया गया। नीता दौड़ के यहां इस जगह पर आ गई छुपने के लिए। बस उसी वक्त छुपे हुए खूनी ने मौके का फायदा उठाया और नीता को सांप से कटवा दिया और फिर मारने के बाद नीता को खूनी ने यहां इस टेबल पर बिठा दिया। मगर खूनी को किसी ने देखा किसी ने? उस वक्त सभी लोग यहां विजय को बचाने में लगे हुए थे। विजय को बचाने में। सर ये नीता चिखिया चिल्लाई तो होगी। हाँ फ्रेडी, मगर खूनी ने शायद उसका मुंह बंद कर दिया होगा। मुंह बंद कर दिया होगा। सर अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि खूनी ने नकली सो मिला मतलब नीता को क्यों मारा? क्योंकि विवेक, खूनी नीता को मारने नहीं आया था, वो सोमिला को मारने आया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो असली सोमिला नहीं बल्कि नीता थी सोमिला के भेष में। सर हाँ, अगर खूनी सोमिला को मारने आया था तो वो उसे मारने की फिर से कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा फ्रेडी, बिल्कुल करेगा। क्योंकि सर असली सोमिला तो अभी तक जिंदा है। एग्जैक्टली। एक काम करो, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को यहां पर बुलाओ। खूनी इन्हीं स्टाफ मेंबर्स में से कोई एक है। सर एक अनजान औरत को भला हम क्यों मारेंगे? सर मास्क उतारने के बाद ही पता चला है कि वो अनजान है। तब तक तो तुम सबके लिए सोमिला ही थी, समझे? सोमिला। और जिसने भी उसे मारा, तुम में से किसी ने, उसने उसे सोमिला समझ के ही मारा है। तो फिर बताओ कौन है उसका दुश्मन? कौन है? सर हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सोमिला से, उल्टा उसके साथ तो सबके अच्छे रिलेशन है। अच्छा? सर हमेशा वो सबकी मदद करती थी, फिर क्यों कोई इसे मारने की कोशिश करेगा? पर कोशिश तो हुई है ना? क्यों? कोशिश तो हुई है उसे मारने की। एक बात सब लोग ध्यान में रखना, सब लोग, तुम सभी के सभी शक के दायरे में हो, शक के दायरे में, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई है, तुम में से ही कोई एक है। और इसलिए अब से इस हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ मेंबर सोमिला की ट्रीटमेंट नहीं करेगा, समझे? ट्रीटमेंट नहीं करेगा। जैसे सोमिला को होश आएगा ना, पता चल जाएगा कि कौन है खूनी।
मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ने के लिए तेरे पीछे थोड़ी ना भाग रहे, जरा ये घूंघट तो हटा। ओ, बाप है। साहब, मुझसे गलती हो गई साहब, गलती से मर गई वो लड़की, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। किस बात की माफी? मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की सुमिला नहीं है, कोई और है। बेशरम, जी तो करता है कि तुम्हें तुम्हें माफ कर दे सिर्फ इसलिए कि तुमने गलती से किसी दूसरी लड़की का खून किया। हाँ? गलती से, सिर्फ इसलिए। इसने तो अभी से डांस करना शुरू कर दिया। ए, जो पूछा जाए उसका जवाब दो, समझा? वो सुमिला ने मुझे हॉस्पिटल से ड्रग चुराते देख लिया था, उसने कई बार मुझको मना किया, लेकिन मैं नशे के बगैर नहीं रह सकता। उसने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी, मैंने उसे मारने का सोच लिया, और फिर अपने गांव से एक जहरीला सांप मंगाया। सांप मंगवाया और एक मासूम की जिंदगी ले ली। देख, नशे की हालत ने तुझसे क्या करवा दिया है, क्या हालत हो गई है तेरी? मुझे नशा करना है साहब, मुझे नशा चाहिए साहब, मुझे नशा, सर मुझे नशा दे दो, सर मुझे, सर मुझे। अभिजीत, इसकी हालत तो जानवर से भी बदतर हो गई है। सर, इसे नशा सुधार केंद्र में भेजना पड़ेगा। हाँ, पहले वहां पे, और जब वहां सुधर जाएगा तो उसके बाद इस पर केस चलेगा, फांसी तो इसे होकर ही रहेगी। मुझे ड्रग्स देते साहब, मुझे ड्रग्स देते साहब। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.